श्रीमती अनुभा मुंजारे। अनुभा जी हैं, इस सदन में मैं पहली बार निर्वाचित होकर आई हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मैं अभी अपनी जो खेद व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि अभिभाषण में वो सारी बातें नहीं आई हैं जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में उतरी थी। उसमें प्रमुख रूप से, क्योंकि मैं ऐसे जिले से आती हूँ जो हमारे बालाघाट जिले में पूरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है और सबसे बड़ी तादाद में हमारे यहाँ के किसान भाई धान का उत्पादन करते हैं। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी घोषणा पत्र में, जो कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में ये बात नहीं आई है। उसी तरह से लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 3000 रुपए तक बहनों को देने की बात चुनाव में कही गई थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश की और हमारे जिले की क्षेत्र की महिलाएं अपने आप को बहुत ही उदास या निराश महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो ये आशा कर रही हैं कि कब हमारी माननीय नव निर्वाचित सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे और विधिवत उनको पैसा मिलेगा। उसी के साथ गैस सिलेंडर की हम बात करें, अभी माननीय सदस्यगण कुछ कह रहे थे हमारे सत्ता पक्ष के उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात यहाँ रखना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में 87 ग्राम पंचायतें आती और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र भी है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र बालाघाट भी लगता है जिला मुख्यालय। वहां पर कहीं पर भी किसी भी ग्राम पंचायत में उज्ज्वला गैस योजना का लाभ किसी भी गरीब महिला को नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। इस बात का मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि इस वादे को पूरा करें और राज्यपाल जी के अभिभाषण में बात आनी चाहिए थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजों के शासनकाल में टेकाड़ी जलाशय बना था और वहां से लगभग 45 ग्राम पंचायतों में 45 पंचायतों में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है, लेकिन जल संसाधन विभाग की मनमानी लापरवाही के चलते वहां के ना उस टेकाड़ी जलाशय की सफाई हुई है आज दिनांक तक, ना नहरों का लाइनीकरण हुआ है, जिसके कारण मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ उन किसान भाइयों के आंसुओं को मैंने देखा है, उनके लिए आंदोलन करने में सड़क पर कई बार उतरी हूँ, हर बार उनकी धान की फसल सूख जाती है और रोते चिल्लाते रह जाते हैं, ना कलेक्टर सुनते ना जल संसाधन विभाग के अधिकारी सुनते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेकाड़ी जलाशय का क्या सुधार कार्य किया जाए, गहरीकरण का कार्य किया जाए, जिससे हमारे 45 ग्राम पंचायतों के किसानों की धान ना सूखे। मैंने आपको पहले ही आपको आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहा कि हमारा बालाघाट जिला संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है और आज दिनांक तक मैं आपको एक भी बताना चाहूंगी कि हमारे जिले में इस बार धान की फसल बहुत अच्छी हुई है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे उन अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है। धान की इतनी बड़ा उत्पादन होने के बावजूद भी, उपार्जन होने के बावजूद भी भंडारण की कोई व्यवस्था तरीके से नहीं की गई है। कई बार कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कराया, खाद अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराया, हजारों कुंटल धान आज भी खुले आकाश के नीचे पड़ी हुई है और कोई उनको रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी बारिश आती है फिर धान अंकुरित हो जाती, तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। दूसरा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो विकास खंड आते हैं, एक बालाघाट विकास खंड आता है और एक लालबरा विकास खंड आता है, और लालबरा विकास खंड को हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
जहां से स्वर्गीय पंडित नंद किशोर शर्मा जी यहाँ माननीय मंत्री रहे हैं, यहाँ पर माननीय आसंदी पर भी वो माननीय अध्यक्ष रहे विधानसभा के। लाल बर्रा में बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन पर्याप्त डॉक्टर नहीं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, क्योंकि मैं महिला जनप्रतिनिधि हूं तो महिलाओं की पीड़ा को मैंने करीब से ना सिर्फ देखा बल्कि कई बार महिलाओं को प्रसव के लिए मैं खुद अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल तक, मैंने जिला चिकित्सालय बालाघाट तक लाने का काम किया है। तो वहां पर स्थिति है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के महिला चिकित्सक पूरे समय की नहीं है, हफ्ते में एक या दो दिन महिला चिकित्सक आती है लाल बर्रा स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और मुश्किल से दो या तीन घंटे वो अपनी सेवाएं देती है और चली जाती है। जबकि 77 ग्राम पंचायतों की महिलाएं, अगर उनको महिला चिकित्सक से उपचार करवाना है या प्रसव का कोई मामला है तो लाल बर्रा से बालाघाट जिला मुख्यालय की दूरी 25 किलोमीटर है और बहुत सारे गरीब लोग साधनों के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण प्रसव की गंभीर पीड़ा से जूझती हुई हमारी महिला बहनों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार वो काल के गाल में समा जाती है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आसंदी का को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगी, सम्मान करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी इन सारी पीड़ाओं को समझें, ग्रामीण जनों की समस्याओं को हमको देखना पड़ेगा। जब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि अगर भारत की असली तस्वीर देखना है तो गांव में जाकर देखो, खेतों में जाकर देखो, खलियानों में जाकर देखो, क्योंकि असली भारत गांव में बसता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी अंत में, बस दो मिनट का समय आपका और लूंगी मैं आदरणीय पूरा समय हो चुका है और एक्स्ट्रा जी आदरणीय, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सब भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, हमने बचपन से जब आंखें खोली, जब होश संभाला और जब बचपन में जब हम सोकर उठते थे तो हमारी दादी माँ हम लोगों को रामायण की चौपाई सुनाती थी, दोहे सुनाती थी। तो इसलिए मैं माननीय हमारे सत्तापक्ष के सभी सदस्यों से यही कहना चाहूंगी कि आप राम भक्त हैं तो हमारी राम भक्ति पर भी आप उंगली ना उठाएं। हम सब धर्मप्राण भारत देश के नागरिक हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हम सम्मान करना हमारे दादी ने, नानी ने, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने हमें सिखाया है और उस सभ्यता और संस्कृति को लेकर हमें चलना है और अपने भारत देश को दुनिया का नंबर एक पर लाने का हम सबको मिलकर प्रयास करना है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो बेहतर काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय सीताराम। अयोध्या गई कि नहीं? तेज बहादुर जी आदरणीय, मैं अयोध्या आज से 5 साल पहले गई थी और भगवान राम जी की कृपा होगी तो बहुत जल्दी जाऊंगी। जी मैं सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार ने केन बेतवा परियोजना के